गुड मॉर्निंग गाइस, मैं दीपक सोनी, आप मेरा देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दीपक सोनी ब्लॉग। और टाइम हो रहा है सुबह के 3:20। तो आज हम अपने नए एपिसोड का नया ट्रैक स्टार्ट कर रहे हैं। आज गौरीकुंड से केदारपुरी तक का ट्रैक करना है। चलिए चलते हैं, फिर रास्ते में आपको दिखाते हैं। हर हर महादेव। अपनी बाटा से सोनप्रयाग तक की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से बाइक से अपनी सोनप्रयाग तक जाएंगे, फिर पार्किंग में बाइक खड़ी करके ट्रैकिंग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी यात्रा, हमारी यात्रा में आप भी साथ चलिए। तो यात्रा की शुरुआत करते हैं महादेव के नाम के साथ। महादेव सबके साथ, महादेव। हेलो गाइस, तो टाइम हो रहा है 4:07 और फाटा से सोनप्रयाग पार्किंग की दूरी 13 किलोमीटर की है, जो कि पूरी होने वाली है। तो चलिए मिलते हैं फिर सोनप्रयाग में। तो हम लोग केदारनाथ की यात्रा के लिए सोनप्रयाग पहुंच चुके हैं। अब यहां से जीप के माध्यम से गौरीकुंड तक जाएंगे, फिर वहाँ से अपना ट्रैक स्टार्ट करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ और यात्रा का एंजॉय करिए और दर्शन करिए साथ में। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 4:59 और हम लोग सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए टैक्सी पर बैठ चुके हैं। ये लोकल टैक्सी यहाँ पे सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए चलती है और आसानी से टैक्सियाँ मिल जाती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होती है। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक का लोकल टैक्सी का किराया 50 रुपये है प्रति व्यक्ति। तो हम लोग गौरीकुंड पहुंच चुके हैं। अब यहां से अपनी पैदल यात्रा गौरीकुंड में चरण स्पर्श करके फिर स्टार्ट करेंगे। तो ऐसे ही आपको आगे वादियों के दर्शन और बाबा के दर्शन कराते हैं। अभी हम लोग गौरीकुंड में हैं, जहाँ पे हम लोग अभी चाय नाश्ते के लिए रुके हुए हैं।
क्योंकि उन लोगों ने भी सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, तो यहाँ पे नाश्ता करके अपने ट्रैक को स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा ही बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। अब हम लोग गौरीकुंड में दर्शन करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। चलिए आपको भी गौरीकुंड के दर्शन कराते हैं, फिर वहाँ से अपनी यात्रा महादेव के नाम के साथ शुरू करते हैं। आप दर्शन कर रहे हैं गौरीकुंड के। यात्रा की शुरुआत से पहले लोग यहाँ पे स्नान करके माता की पूजा अर्चना करके अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं। तो चलिए हम भी अपनी यात्रा को प्रारंभ करते हैं महादेव के नाम के साथ। हर हर महादेव, जय जय श्री केदार। तो टाइम हो रहा है सुबह के 8:20 और हम लोग अब पहुंच चुके हैं भैरव चट्टी। तो आप भी दर्शन करिए बाबा भैरव के। और यहाँ से अपनी यात्रा को बाबा भैरवनाथ के दर्शन करके अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो टाइम हुआ है 10:35। हम लोग अभी यहाँ पे नाश्ते के लिए रुके हुए हैं। जल्दी से अपनी यात्रा का मीटिंग करते हैं। तो हम लोगों का मैगी का नाश्ता हो चुका है और हम लोग अब अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू करते हैं। तो एक बार फिर से हो जाए जयकारा महादेव का। हर हर महादेव। हेलो गाइस, तो हम लोग का भीमबली तक का ट्रैक पूरा हो चुका है, जिसमें हमें 5 घंटे का ट्रैक किया है अभी तक। ये अद्भुत नज़ारे आपके सामने हैं। और बहुत ही खड़ी चढ़ाई है, कहीं बराबर है और कहीं खड़ी, और ज़्यादातर चढ़ाई जो है खड़ी है। पन्नी में ले ये देखिए नहीं बनी पे जाना से वापस आए। तो यहीं से अपनी यात्रा को फिर से कंटिन्यू करते हैं और आगे के रास्ते आपको दिखाते हैं।
छोटी लिंचौली पहुँचे हैं, जहाँ पे अभी लंच के लिए रुके हैं। तो आप भी हमारे साथ दीजिए। और बगल में बहुत ही तेज बारिश जो कि 2 घंटे से लगातार हो रही है। और पहाड़ों पे अब धुंध भी आ चुकी है। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे लंच के बाद। हम लोग रामबाड़ा होते हुए छोटी चिंचोली को क्रॉस करके आगे रास्ते पे बढ़ चुके हैं। अभी समय हो रहा है 3:53 और धुंध इतनी हो चुकी है कि पूरा रास्ता जिसे हम पूरा कर चुके हैं वो अब धुंध में छुप गया है। तो चलिए चलते हैं, अपने आगे की यात्रा को ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं। तो फाइनली हम केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं और टाइम हो रहा है 10:00। तो हम लोग की यात्रा 14 घंटे में पूरी हुई, इसमें रास्ते में बहुत तेज़ बारिश और आराम से आने की वजह से इतना लेट हुआ। तो फाइनली इस कड़ी मशक्क़त के बाद हम लोग केदारनाथ धाम पहुंच चुके हैं। तो फाइनली गाइस हम लोग केदारनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं। तो आप भी करिए हमारे साथ बाबा केदार के दर्शन। चार जी के कहा जाता है कि चारों धामों के जीर्णोद्धार के बाद शंकराचार्य जी ने केदारनाथ में तपस्या कर यहीं से अंतर्ध्यान हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर आदि गुरु शंकराचार्य जी के समाधि स्थल के लोग दर्शन करके अपने आप को कृतज्ञ करते हैं।
हेलो गाइस, अब हम लोग गौरी कुंड के लिए प्रस्थान कर रहे हैं, तो एक बार आप और दर्शन कर लीजिए। वैसे अभी पट बंद हो चुके हैं बाबा के, शाम को आरती के टाइम पे खुलेंगे, तो बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हैं। तो हमारे साथ आए हैं अनुभव गुप्ता। बहुत ही सुंदर दर्शन आज हम बाबा के पास हुए। ठंड बहुत है, लेकिन जितना ही मुश्किल आता है उतनी ज़्यादा सुकून है। बहुत ही अभी भी लगातार हो ही रहेगी 11 बजे से, तो चलिए चलते हैं फिर। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो के कमेंट में हर हर महादेव के जयकारे जरूर लगाएं, जय श्री केदार जरूर लिखें, जिससे हमारे साथ आपकी यात्रा भी संपूर्ण हो।